लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई की एनआरआई पुलिस ने लेबर कॉन्ट्रैक्टर ब्रिजेश पाटिल के हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 अक्टूबर को सीउड सेंट्रल मॉल में ब्रिजेश पाटिल पर हमला हुआ था। एनआरआई पुलिस ने सघन जांच के बाद इस मामले में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इनमें जस्मिन टांडेल, अमित भट्ट और 3 नाबालिग समेत 5 लोगों का नाम शामिल है। आज जोन 1 के DCP विवेक पानसरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वारदात में शामिल 4 हमलावर नीलेश टांडेल, आकाश साखरे, सन्नी और गांधी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। उन्होंने कहा कि ब्रिजेश पाटिल पर हमला सेंट्रल मॉल में पुराने कॉन्ट्रैक्ट के विवाद में हुआ। पुलिस उपायुक्त ने हमले का पर्दाफाश करने वाले NRI पुलिस के सीनियर PI रविंद्र पाटिल और क्राइम PI चास्कर और टीम की सराहना करते हुए आरोपियों की जानकारी दी। 9 अक्टूबर को सीवुड मॉल नवी मुंबई नेरूल इस जगह पे एक ब्रिजेश पाटिल नाम के एक युवक पे ऊपर हल्ला हुआ था। इसके पास वहाँ पे काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ही ये गुना हुआ है। इसमें जस्मिन टांडेल और नीलेश टांडेल, ये जो दो लोग हैं, ये जो आरोपी है, ये आरोपी और ब्रिजेश पाटिल, इनका 2017 से इनका वाद चल रहा था। इसमें से ब्रिजेश पाटिल और नीलेश टांडेल ने अमित भट्ट नाम के एक युवक को इसको मारने के लिए सुपारी दी थी और उसने चेंबूर के परिसर में जो लोग हैं वो लोगों को, और उसमें से 2-3 बच्चे भी हैं, वो बच्चों को इसके मारने के लिए बुलाया और ये लोगों ने उसको मारा था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 3 लोग अरेस्ट किए हैं। उसमें जस्मिन टांडेल, 3 छोटे बालक है, और अमित भट्ट, इनको अभी तक अरेस्ट किया है। 5 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं और 3 लोग अभी भी वॉन्टेड है। उसमें आकाश साखरे, गांधी सनी और नीलेश टांडेल, ऐसे लोग वॉन्टेड है। इसमें हम लोगों ने 2 हथियार भी जब्त किए हैं और 2 मोटरसाइकिल जो गुने में यूज की थी वो भी अभी तक जब्त की गई है। ये गैंग राइवलरी हम लोग उसको बोल सकते हैं, पुराने इसके झगड़े थे। 2017 में क्रॉस गुना है दोनों का, एक में के ऊपर दाखिल है। और सीवुड मॉल के उधर का जो कॉन्ट्रैक्ट है काम का, माथाड़ी काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने चाहिए। इससे भी ये भी एक कारण इसके पीछे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।